सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जहां प्रदेश के सभी जनपदों में वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी के तहत देखा गया है कि दुर्घटनाओं का सिलसिला किस प्रकार से बढ़ रहा है। दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसी भी प्रकार की कवायद करके दुर्घटनाओं के सिलसिले को रोका जा सके। अगर बात वीवीआईपी जिलों में शुमार रायबरेली की जाए तो रायबरेली में सिटी एरिया में देखा गया है कि काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सबसे प्रमुख कारण सामने आया है कि जो दुकानदार उनके द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर दिया गया, वहीं अब अतिक्रमण को हटाने की कवायद में सीओ सिटी के निर्देशन में कोतवाली नगर की पुलिस व स्थानीय पुलिस द्वारा कवायद की जा रही है। वहीं स्थानीय ढाबा व कई दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने दुकान के सामानों को दुकान के अंदर रखें, ना कि दुकान के बाहर। रोड से जितनी तरफ एरिया खाली रहेगा उसको लेकर भी काफ़ी हद तक निर्देश जारी किया गया है, जिसको लेकर बीती रात देखा गया है कि देर शाम लगातार जिला प्रशासन व नगर पालिका की टीम व पुलिस प्रशासन की टीम एक साथ संयुक्त रूप से इस प्रकार के जो कार्य हैं वह कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें साफ हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है रायबरेली की सीओ सिटी वंदना सिंह का। मैम, सुबह के मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश दिए गए, वो चाहे अतिक्रमण को लेकर दिए गए, वो चाहे दुर्घटनाओं को लेकर दिए गए, उसको लेकर रायबरेली का पुलिस प्रशासन क्या कवायद कर रहा है? कल बीसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या है बहुत ज्यादा है, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके दृष्टिगत उन्होंने बहुत स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिए कि कोई भी जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या प्रमुख राजमार्ग है, जहां पर भी अवैध पार्किंग है किसी भी तरह की, वो चाहे बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, हर तरह के अवैध पार्किंग को हटाने के लिए निर्देशित किया गया कि जिससे इस तरह के अवैध पार्किंग से एक तो जाम की समस्या होती है, दूसरा आवागमन की असुविधा, और तीसरा है एक्सीडेंट। बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और उसमें आकर कोई गाड़ी लड़ गई, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके क्रम में कल रात से ही हम लोगों ने रायबरेली पुलिस प्रशासन और एआरटीओ के साथ के सहयोग से हम लोगों ने अभियान चलाया था। सिविल लाइन से आगे मामा चौराहे तक पूरा जो भी अवैध ट्रक और गाड़ियां खड़ी थी उनको हम लोगों ने हटवाया। जो वहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को हम लोगों ने बातचीत के दौरान ये समझाया कि आप लोग यहाँ पर अपनी दुकान के सामने इस तरह से कोई भी वाहन खड़ा नहीं करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी महोदया द्वारा ये नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया, प्रशासन इस संदर्भ में कवायद में लगा हुआ है कि हम जो भी पार्किंग के स्थल हैं उनके लिए प्रॉपर जगह उपलब्ध करा पाए, जो हमारे टैक्सी स्टैंड वगैरह हैं उनके लिए प्रॉपर जगह चिन्हित की जाए जिससे कि इधर उधर गाड़ियां ना खड़ी हों। हम शहर में ट्रैफिक की काफी अव्यवस्था है, तो उसको लेकर क्या लग रहा है, क्या कारण क्या है इसका? देखिए, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कारण तो यही है कि हमारे यहाँ जो प्रमुख बाजार है वहाँ पर पार्किंग की सुविधा का अभाव है, और दूसरा ये जो बड़े बड़े बेसमेंट्स और ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स बड़ी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, दुकान है, तो वो लोग वहाँ पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं करवाए हुए हैं। जबकि हम लोगों ने कई बार जब भी फुट पेट्रोलिंग करी है तो दुकानदारों को, कॉम्प्लेक्स मालिकों को, सबको नोटिस दिया गया कि भाई आप लोग ये यहाँ पर व्यवस्थित रूप से पार्किंग करवाइए, अपने यहाँ पार्किंग की सुविधा करिए, ये नहीं कि आपका दुकान बहुत बड़ा है उसके सामने गाड़ियाँ अस्त व्यस्त खड़ी हुई हैं। तो ये प्रयास जारी है कि लोगों से संवाद करके पार्किंग की जगह मुहैया कराई जाए। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।